नरेंद्र मोदी 3 बार गुजरात के मुख्यमंत्री रहने के बाद प्रधानमंत्री भी बन चुके हैं, लेकिन अभी भी 2002 गुजरात दंगों को लेकर बदनाम है और उनका पीछा छोड़ने का नाम नहीं ले रहे हैं। कुछ दिनों के लिए बीच में मामला शांत होता है तो फिर तुरंत कुछ न कुछ इससे जुड़ा मामला सामने आते ही यह फिर से सुर्खियां में आ ही जाता है। सुप्रीम कोर्ट ने 2002 गुजरात दंगों को लेकर गुजरात सरकार बड़ा आराम देते हुए गुजरात हाई कोर्ट के आदेश को ही बदल दिया है। हुआ यूं कि गुजरात हाई कोर्ट ने अपने आदेश में कहा था कि 2002 दंगों में जो धार्मिक स्थल क्षतिग्रस्त हुए थे उनको सरकार को दोबारा बनवाना पड़ेगा। जब हाई कोर्ट ने यह फैसला सुनाया तो राज्य सरकार के पास एक ही ऑप्शन बचा था कि वे इसे स्वीकार करते हुए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाएं। और अब सुप्रीम कोर्ट ने भी राज्य सरकार के पक्ष में फैसला दे दिया है। सुप्रीम कोर्ट के अनुसार अब राज्य सरकार को किसी भी धार्मिक स्थल को बनाने का पैसा नहीं देना पड़ेगा, न ही किसी धार्मिक स्थल जैसे मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, चर्च दोबारा बनाने के लिए मुआवजा दिया जाएगा। गुजरात राज्य सरकार ने हाई कोर्ट के सामने 50,000 मुआवजा की मांग की थी ताकि क्षतिग्रस्त हुई इमारतों के लिए दिया जा सके, परंतु इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने इसके संबंध में गुजरात राज्य सरकार के जवाब को रिकॉर्ड लेते हुए कहा है कि इस्लामिक रिलीफ कमेटी ऑफ गुजरात 1 मई तक लिखित जवाब दे और उसमें सांप्रदायिकता की बू नहीं आए।